सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और वहीं 11% ही हैं जो प्रॉफिट करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये 89% वाले जो लॉस कर रहे हैं उनका लॉस 11% वाले लोग खा रहे हैं? आइए आज इस बात की सच्चाई जानते हैं। सेबी की ही रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बड़े ऑपरेटर्स को हटा दें और फिर एवरेज लॉस पर पर्सन देखें तो 50,000 का आता है पर एनम। अब इस चीज को समझिएगा, हो सकता है आपका लॉस 50 लाख का हो या 10,000 का, यहाँ पे हम सिर्फ एवरेजिंग ले रहे हैं। लेकिन अब यही प्रॉफिट की बात करें तो बड़े ट्रेडर्स को हटाने के बाद आम आदमी का सालाना प्रॉफिट 3400 रुपए है, मात्र 3400 रुपए। अब सवाल ये आता है कि आखिर अब ये इतना सारा जो लॉस है ये खा कौन रहा है? तो यहाँ पे आते हैं आपके बड़े ऑपरेटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे बड़े बड़े लोग। जब हम ट्रेडिंग में लॉस करते हैं तो ये अपनी जेबें भरते हैं। ऐसे ही अलर्ट के लिए और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए अभी पैसा स्मार्ट और फिन एक्सप्रेस को फॉलो करें।